Subscribe to MS Moto Vlogs and press the bell icon so you never miss an update on future videos. So good morning friends, Samir this side, and right now we are in Joshimath and we are leaving for Oli. The time is 8:30 in the morning. So बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारी धूप खिली हुई है और जो व्यूज़ हैं यहाँ से बहुत ही अमेजिंग है. तो आप पीछे देख सकते हैं, वो जो पीक देख रहे हैं पूरी वाइट है और वो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ है. और जब भी आप ओली का ट्रिप प्लान करें सो मेक श्योर कि आपके पास एक से दो दिन हो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी प्लेसेस हैं यहाँ पे देखने लायक और एक ट्रैक भी है, सो यू कैन गो देयर एज वेल. और द बेस्ट टाइम टू विजिट ओली इज़ अराउंड दिसंबर एंड जनवरी, उसी हिसाब से प्लान करें अपना ट्रिप. बहुत ही अमेजिंग लग रहा मैन, बहुत ही अमेजिंग. सो हमने जो होटल लिया था वो था होटल मानिक पैलेस. ठीक है, होटल चीप है और रेट्स वगैरह ठीक है, सर्विस भी अच्छी है. एंड जो हमें होटल का रूम का रेट पड़ा वो था 1000 रुपीज़ पर नाइट. सो हमें सिर्फ एक रात के लिए रुकना था. आज हम ओली एक्सप्लोर करेंगे और निकलेंगे वापस, बिकॉज कल होली है एंड आई नीड टू गेट इन दिल्ली बाई इवनिंग. अगर आप ओली आ रहे हैं सो देर आर टू रूट्स, वन इज़ फ्रॉम नैनीताल एंड अल्मोड़ा एंड सेकेंड रूट इज़ फ्रॉम दिस हरिद्वार एंड ऋषिकेश रूट. सो जो ऋषिकेश रूट है वो लगभग 80 से 90 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है दिल्ली से. द ऋषिकेश रूट इज़ 500 किलोमीटर्स एंड द हल्द्वानी नैनीताल रूट इज़ 590 किलोमीटर्स अप्रॉक्स टिल जोशीमठ. सो ये भी कंसिडर कर सकते हैं आप. एंड जो रोड्स हैं यहाँ के बहुत ही सीनिक है, बहुत ही अमेजिंग रोड्स हैं और बड़ी मज़े की जगह है. तो चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं चलते चलते. तो चलिए चलते हैं गाइस. ये देख, तो ये देख सकते हैं गाइस, दिस इज ब्लैक आइस. अभी दिखाता हूँ आपको, उतरियो. सो गाइस ये जो आइस है आप देख सकते हैं, ये जो बीच में जमी है ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लैक आइस. और ये जो आइस होती है नॉर्मल, जैसे ये आइस है तो आप देख सकते हैं ये आइस बड़ी फुसफुसी होती है एंड दिस इज वेरी हार्ड. तो सिर्फ इसको अवॉइड करना है आपने. इस पे जैसे ही बाइक जाएगी आपकी कोई चांसेस नहीं है कि आप बच जाएं, ज़रूर बाइक स्लिप होगी. सो इसको अवॉइड करके चलाएं हमेशा. तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जिन्होंने ब्लैक आइस नहीं देखी कभी. सो और जिन्होंने देखी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं. सो चल, बर्फ देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ है और मज़ा आ गया ट्रिप का. थोड़ा सा टाइम ख़राब हुआ लेकिन एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन नाउ. होई बहुत ही मज़ा आ गया मैन. चल, और जो यहाँ का नज़ारा वो देखते बन रहा है एंड तारिंग भाई इज़ टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस, सो नाइस. चलिए चलते आगे.
बहुत ही बर्फ है रे इधर तो, इधर बहुत बर्फ है, ब्लैक आइस बहुत ज्यादा है। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा, बहुत प्यारा, मज़ा आ गया। मैं हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज अभी मार्च चल रहा है और मार्च में इतनी बर्फ़ होती नहीं है यहाँ पे, बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इतनी बर्फ़ मिली। और बहुत सारे, आप जब यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे आपको अकोमोडेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे विद इन योर बजट। और अगर आप जोशीमठ में स्टे करेंगे तो रूम्स आर लिटिल चीपर देयर, और ओली में थोड़ा सा रूम के प्राइसेस हाई है बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो गाइज, अभी हम हैं ओली स्की रिजॉर्ट में और जो पीछे आप देख रहे हैं वो है चेयर लिफ्ट, और जो पर पर्सन चार्ज है चेयर लिफ्ट का इज़ 500 रुपीज़। और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। तो यहाँ से एक आपका रोप वे चलता है, जो आप पीछे वो पुल देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, वो है रोप वे, एंड दिस इज़ द चेयर लिफ्ट। तो यहाँ पर आप एक चेयर पर बिठा के आपको और पूरा ऊपर तक लेके जाते हैं, और जो टोटल राइड का डिस्टेंस है चेयर लिफ्ट का 900 मीटर्स का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वो है, राइड है। और आपको दिखाते हैं किस तरह की चेयर्स होती हैं। थोड़ा सा बर्फ, पानी बर्फ बर्फ। तो ये जो आप पीछे चेयर देख रहे हैं, इस तरह की कुछ चेयर्स होती हैं और इसमें बिठा के आपको लगभग पहाड़ पे 900 मीटर्स की राइड है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो रोप वेज में मैं बहुत ज़्यादा बैठा हूँ, काफ़ी बार मैं अलग अलग नेपाल में, इंडिया में रोप वेज में बैठा हूँ। सो आज मैं रोप वे में ना बैठ के चेयर लिफ्ट के मज़े उठाऊँगा। सो जब भी ओली आए तो डेफिनेटली चेयर लिफ्ट ज़रूर ट्राई करें, और स्कीइंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। सो अभी बहुत अच्छी बर्फ़ है और स्कीइंग वगैरह भी हो रही है। सो जो, और द बेस्ट पार्ट इज़ स्कीइंग बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। सो लगभग बिगिनर्स का जो 1.25 घंटा वो बताते हैं आपको, और इंस्ट्रक्टर होगा उसमें प्रॉपर गियर्स होंगे, एंड दे विल चार्ज यू 500 रुपीज़ ओनली। सो ठीक है, काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो बहुत मज़ेदार जगह है मैन। गाइस हम बैठ रहे हैं चेयर लिफ्ट पे, तो इस तरह की कुछ चेयर लिफ्ट होती है। और अभी नज़ारे दिखाते हैं आपको, ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और हम चेयर लिफ्ट में बैठ चुके हैं,
काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और सब लोग स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं। सो पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज ओली लेक। सो एक ये आर्टिफिशियल लेक बनाया हुआ है जिसमें पानी वगैरह स्टोर करते हैं। सो अभी फ़िलहाल पूरा जमा हुआ है ठंड से, और जाके ये लगभग अप्रैल मई में जाके ये थोड़ा सा पानी इसमें होना स्टार्ट होता है जब बर्फ़ पिघलती है तो। सो हाँ, मेरे पहले मेरे को दिखाना, मेरे को इधर से। अरे ऐसा है तो सीधा करा दो बस। छोड़ना, चलो घुटने पकड़ो। हाँ, मज़ा आ गया गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त, सांस फूल गई पूरी। सो गाइस, हम अभी यहीं पे रुके हैं, पीछे एक छोटा सा टी स्टॉल है, वहाँ पे चाय वगैरह पी और थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया, और काफ़ी थक गए थे स्कीइंग करके। और उसके बाद हमने करी स्नो फाइट, मैंने और तारिक भाई ने, जिसमें तारिक भाई ने और मैंने एक दूसरे को बहुत कूटा बुरी तरह से। आज रात को हम अपनी अपनी चोटें देखेंगे कि कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ का दर्द है, और इनके थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा। नहीं नहीं, इनको मैंने बहुत कूटा पटका उठा के। आपके भी बहुत लगी है, हाँ, ऐसा मत बोलो। सो आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो ये आप ये वाली पीक देख रहे हैं ऊपर, ये वाली, दिस इज नंदा देवी एंड इट इज़ द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन इंडिया। और उसके बाद जो ये वाली आप पीक रहे हैं जिगजैग, दिस इज त्रिशूल पीक। सो बहुत ही अमेजिंग प्लेस, और जो यहाँ का व्यू है तो आप बता नहीं सकते, इतने ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यहाँ के, अल्टीमेट। इट इज़ मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, हाँ, एंड इट इज़ दी मोस्ट पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। और स्कीइंग के लिए यहाँ पे 7 और 14 दिन के कोर्सेज भी होते हैं, सो वो आप कर सकते हैं, और 14 दिन में लगभग आप काफ़ी परफेक्ट हो जाएंगे करने में। सो गाइज, जब भी आप ओली आएँ, सो थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के चलें, बिकॉज जो यहाँ पे सबसे बेस्ट लोकेशन है रहने के लिए वो है GMVN रिजॉर्ट। सो जो नीचे है थोड़ा सा वो है GMVN क्लिप टॉप, एंड वो जो आप पीछे हट्स देख रहे हैं दैट इज़ GMVN इको रिजॉर्ट। और जो यहाँ के रेंट हैं वो 5 to 10,000 रुपीज़ है। सो थोड़ा सा अगर आपको बेस्ट लोकेशन चाहिए, सो यहाँ का बजट बना के चलें। बाकी कैंप्स वगैरह भी होता है यहाँ पे, तो आप लोकल भी कराते हैं कैंप? हाँ। अच्छा, उसका क्या चार्जेस रहता है? 1500 पर पर्सन, खाना पीना सब। अच्छा, यहीं बर्फ में? हाँ, इधर। और जो यहाँ के लोकल से जो ये हट्स हैं, सो इसमें कैंपिंग वगैरह भी कराते हैं, विच इज़ 1500 रुपीज़ पर पर्सन, और जिसमें खाना वगैरह बॉनफायर वगैरह सब इंक्लूड होगा। सो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, अगर आपको बजट थोड़ा सा कंसिडर कर रहे हो तो। सो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी देर हो गई इन्जॉय करते हुए, लगभग 3 से 4 घंटे हो गए, और अब यहाँ से हम निकलेंगे। सो आज कोशिश करेंगे कर्णप्रयाग पार कर दें। बहुत मज़ा आ रहा है। पता है, मैंने एक गलती और करी बहुत बड़ी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, GoPro मेरी जेब में तो नहीं था, नहीं यार, मैंने शायद बैग में रख दिया था निकाल के।